वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि आरसीसी के एक क्यूब आपको दिया जाता है तो उसकी वेट आप कैसे निकालो। पार्ट टू में हम बात करेंगे कि पीसीसी के एक क्यूब आपको दिया जाएगा तो उसकी वेट आप कैसे निकाल सकते हो। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करना बिल्कुल ना भूले, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पीसीसी की एक क्यूब आपको दिया जाएगा तो फिर आप उसकी वेट कैसे कैलकुलेट करोगे। इससे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि पीसीसी की जो डेंसिटी वो क्या रहता है। एज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सबसे पहले पीसीसी की डेंसिटी पता करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है आप उसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो और उसकी वेट आसानी से निकाल सकते हो। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसकी डेंसिटी भी आपको आईएस 456 में मिल जाएगा। आईएस 456 में उसकी डेंसिटी जो है 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, वो अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है, वो एज इट इज नहीं है। आपको एक अनुमान लगाना है कि ये पीसीसी के लिए डेंसिटी है और इसके हिसाब से आपको आगे की कैलकुलेशंस करना है। तो प्रोसेस सेम है जैसे पार्ट वन में आरसीसी का बताया था, क्यूब की आपके वॉल्यूम निकालने लगा, क्यूब की वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है कि कंक्रीट की डेंसिटी से। कंक्रीट की डेंसिटी से डिवाइड करने के बाद उसकी वेट निकल के आ जाएगा और जो वेट निकल के आएगा वो आपकी पीसीसी क्यूब की वेट हो जाएगा। ऐसे ही आपको वेट कैलकुलेशन करना है, पीसीसी का भी सेम प्रोसेस है आरसीसी की तरह। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।